कितने घंटे पढ़ते हो? 12 घंटे। हैं? 12 घंटे। 12 घंटे और 25 नंबर? हाँ। पर टीचर्स तो कहते हैं पेपर इजी आया था। उनके लिए इजी होगा, 25 में तो आप फेल हो जाओगे। हाँ। परेशानी नहीं होगी? परेशानी कोई नहीं है। कोई परेशानी नहीं? नहीं। एक बात बोलो भैया। हाँ। आपकी स्माइल बहुत प्यारी। हाँ। आप फेल हो रहे हो? हाँ। फिर भी हंस रहे हो? हाँ। तो आपके सिलेबस से कुछ नहीं आया क्या? सिलेबस से तो आया था, पर हम यूट्यूब से 10 बेस्ट क्वेश्चंस पढ़ के चले गए थे। ओ, तो उसमें कुछ नहीं आया? कुछ भी नहीं। तो अब क्या करोगे आप? A single sheet of paper cannot decide my future. ओ दोस्तों, इस वीडियो को दिखाने का बस इतना सा उद्देश्य था कि आप जो है सभी पे बिलीव करें, लेकिन इतना बिलीव ना करें कि वो बिलीव आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। बेशक जो भी टीचर्स आपके जिनसे आप पढ़ते हो, जितने कोचिंग संस्थान इस भारतवर्ष में चलते हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। हर चैनल का एक अपना एक स्टैंडर्ड है, लेकिन ध्यान ये रहे कि आप अपना मैक्सिमम टाइम किसी चैनल किसी कोचिंग को ना देकर अगर सिलेक्शन देना है तो आप अपनी बुक्स को दें। बिकॉज जो आपकी बुक्स होती हैं वो आपकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आप ज़्यादा पढ़ोगे, अधिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे आप, और जितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे उतनी आसानी होगी आपको नीट एग्ज़ाम में सिलेक्शन देने में। दोस्तों, टीचर्स से आप बेशक बात करें, उनकी वीडियोज़ को देखें, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो पढ़ा रहे हैं उसी से आपके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। अगर नीट एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो उस कंडीशंस में आपको बुक से पढ़ने की आदत डालनी होगी। ना सिर्फ बुक से पढ़ना होगा बल्कि बुक से नंबर आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। दोस्तों, अगर आप कभी सर्च करोगे ना, जो भी टॉप कोचिंग्स या टॉप यूट्यूब चैनल्स या टॉप अदर ऑनलाइन कोचिंग्स प्रोवाइड कराती हैं नीट के लिए, उनका जो सिलेक्शन रेशियो है 0.1% से भी कम है। यानी अगर 1 लाख बच्चे हैं तो उनमें कहीं 2-3-4 बच्चों सिलेक्शन होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाते अच्छा है, बेशक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो पढ़ाएंगे वही आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। जब आप उनकी पढ़ाई चीज़ों को बुक से कंपेयर करोगे और उनकी पढ़ाई चीज़ें पढ़ेंगे, बुक भी पढ़ेंगे, और बुक से नंबर आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो उस केस में आपको आसानी होगी अपने एग्ज़ाम में सिलेक्शन देने में। तो आई होप आप सभी एक अच्छे स्टूडेंट हैं, गुड स्टूडेंट हैं, आप मेरी बातों को समझें जो मैं कहना चाहता हूं, और कल से या आज से स्टडी करेंगे तो अपना हाफ एंड टाइम वो बुक्स को देंगे, बाकी का टाइम आप ऑनलाइन टीचर्स को दें, कोचिंग को दें। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, नो डाउट सभी बहुत अच्छे हैं, बस ध्यान ये रहे कि आपकी फ्रेंडशिप बुक से भी होनी चाहिए। आप अपना टाइम बुक को भी दें ताकि आपके जो ब्रेन की पावर है, कैपेसिटी है, वो इंक्रीज होती रहे, और आप छोटे में कुएं के मेंढक ना बनकर खुद से शिकार करना सीखें, जंगल के शेर बने, ताकि आपको आसानी हो आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन देने में। तो शायद आप मेरी बातों को समझेंगे, इसको रियल लाइफ में यूज़ करेंगे। तो छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं सब्सक्राइब कर, चैनल को थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।